नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। सुशांत सिंह राजपूत केस का तकरीबन एक साल से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन अभी भी सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिला। लेकिन आपको मैं बता दूं कि एक बड़ी खबर सामने आई है, जिससे अब ये साफ साफ पता चल गया कि सुशांत सिंह राजपूत को तो न्याय जरूर ही मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सोशल मीडिया पर ये कमेंट्स वगैरह करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत मामले को दबा दिया गया है और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन अब मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि वो लोग कहीं ना कहीं गलत हैं, जिन लोगों ने ये साफ साफ कहा कि सुशांत सिंह राजपूत मामले को दबा दिया गया है। मैं आपको बता दूं, अब सीबीआई का एक नया रिपोर्ट सामने आया, जिससे ये पता चल चुका है कि सुशांत सिंह राजपूत के असली गुनहगार कौन कौन लोग हैं। क्योंकि सीबीआई की टीम और एनसीबी की टीम एकजुट होकर इस बात का पता लगा रही है कि बॉलीवुड के अंडर ड्रग्स माफियाओं के साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत के केस से किन लोगों का कनेक्शन है। कुछ दिन पहले ही जो कि एनसीबी के मेन लीडर समीर वानखेड़े ने कई सारे ऐसे बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स डीलरों को गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ भी की, तब जाके ये बड़ा खुलासा हुआ। और कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े ने ये साफ साफ कह दिया कि उन सभी ड्रग्स माफियाओं का कनेक्शन सुशांत सिंह राजपूत के केस से है, जिसको लेकर अब सीबीआई की एक नई टीम क्रिएट हुई, नई टीम बनी, जो टीम अब सुशांत सिंह राजपूत मामले की फिर से जांच करने वाली है। मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत को जब तक न्याय ना मिले, उनका केस दबाया जा रहा है, जब तक उन्हें न्याय ना मिले, तब तक आप लोग जस्टिस फॉर सुशांत करते रहिए। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत बहुत बड़े एक्टर्स थे और उन्हें बड़े लोगों ने ही दबा दिया। आखिर कहीं ना कहीं सीबीआई की टीम और एनसीबी की टीम एकजुट जिस तरह से हुई, अब सुशांत सिंह राजपूत को तो न्याय जरूर ही मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि एनसीबी की टीम ने बॉलीवुड के अंदर तमाम बड़े ऐसे ड्रग्स डीलर थे जिन्हें गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ भी की, और ड्रग्स मामले में कहीं ना कहीं बॉलीवुड के बड़े ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस थे जिनसे भी पूछताछ की गई थी, लेकिन उन लोगों का जमानत क्यों हुआ। इस बात को लेकर भी सीबीआई की टीम काफी एक्टिव हो गया कि आखिर जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती के साथ साथ तमाम बड़े एक्टर्स का नाम सामने आया था, बड़े बड़े डायरेक्टर्स का नाम सामने आया था, आखिर उन लोगों से पूछताछ करने के बाद उन्हें क्यों छोड़ दिया गया। इसी बात को लेकर अब सीबीआई की टीम सुशांत सिंह राजपूत केस की एक नई सिरे से जांच करने वाली है और इस मामले में कहीं ना कहीं ड्रग्स डीलरों से पूछताछ होगी, कहीं ना कहीं उन लोगों के कहने से ही बड़े बड़े लोगों का गिरफ्तारी हो सकता है और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिल सकता है। सुशांत सिंह राजपूत ही नहीं, उसके साथ दिशा सलाइन का मामला भी अब सामने आ चुका है और दिशा सलाइन को भी अब जरूर न्याय मिलेगा। क्योंकि सीबीआई की टीम और एनसीबी की टीम जांच तो कर ही रही है, लेकिन एनआईए की टीम ने ये भी साफ साफ प्रूफ कर दिया कि इस मामले में कहीं ना कहीं बड़े बड़े नेताओं के साथ साथ कई ऐसे डॉक्टर्स थे जिन लोगों ने झूठी रिपोर्ट बनाई थी, अब उन लोगों का भी पर्दाफाश होने वाला है। अब देखने वाली बात है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई की जांच जो चल रही है वो कहां तक पहुंचती है और कितने जल्दी सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलता है। जैसे इसके बारे में एनसीबी की तरफ से, सीबीआई की तरफ से कोई भी बड़ी अपडेट आएगी, मैं आपको सबसे पहले खबर मीडिया पे जरूर दूंगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।